हमारे छह सरकारें उन्होंने चोरी की। मैं क्या कहूं, चोर कहूं, डाकू कहूं, क्या कहूं। बीजेपी के लोग अभी से, उन्होंने दो दिन का कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने देश के सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा, देश के भलाई के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने क्या सोचा, 400 दिन में हम इलेक्शन कैसा जीतना। आज पैसे के बल पे, वो ईडी के बल पे अपने कब्जे में पूरा देश रखना चाहते हैं। आरएसएस के लोग को पूछता हूं, संविधान की पूजा आप नहीं करते, मनुस्मृति की पूजा करते हो आप, और सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो मनुस्मृति की पूजा करते हैं, जो संविधान बनाया उसकी पूजा वो नहीं करते और उसको स्वीकार नहीं करते। और मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते आप सभी को मिलना, आपका दर्शन लेना, इसी वजह से यहाँ पर पहुंचा हूँ। और राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा ये 125 दिन अब पूरे हो गए हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ये जो यात्रा राहुल जी कर रहे हैं, ये पूरे देश के लोगों को जोड़ने के लिए, और समाज में आज जो बीजेपी सरकार, आरएसएस के लोग और बीजेपी पार्टी के लोग इस समाज को तोड़ रहे हैं, समाज को डिवीजन कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी सोचे कि ये भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से अगर कश्मीर तक ले गए, लोगों को बताए कि सरकार के क्या क्या कमियां है, खासकर इन्फ्लेशन का है, अनएम्प्लॉयमेंट का है, और हमारी आर्थिक स्थिति रोज बार रोज खराब होते जा रही है। इसलिए राहुल गांधी जी ये कदम उठाए हैं और लाखों लोग इसमें जुड़ रहे हैं, युवा है, किसान है, मजदूर है, मीडिया के लोग हैं, प्रोफेसर्स है, इंजीनियर्स है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, हर उम्र के लोग और हर प्रोफेशन के लोग इस भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हुए हैं। इसीलिए ये सक्सेस, बहुत बड़ा सक्सेस हुआ है। इसको देखकर बीजेपी घबराई है और वो हमेशा कुछ ना कुछ कांग्रेस के खिलाफ, हमारे खिलाफ बोलते ही रहते हैं। और उनको कोई देश की भलाई के लिए काम करना नहीं है, सिर्फ चुनाव में, चुनाव कैसे जीतना, इसके तरफ उनका ज्यादा ध्यान है। लोगों के समस्याओं को सुलझाना वो कभी काम नहीं करते, और वो कभी भी लोगों के भलाई के लिए वो काम नहीं करना चाहते। कहीं भी जाओ चुनाव की बात करेंगे, कर्नाटक में जाते हैं तो चुनाव की बात करते हैं, अभी तो त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, वहां चुनाव है, वहां पर भी जाएंगे। तो उनकी एक देश को आगे बढ़ाने के बजाय, देश की प्रगति करने के बजाय, वो सिर्फ चुनाव कैसे जीतना, इसी के ऊपर उनका ज्यादा ध्यान है। और जो कुछ सवाल, जनता के सवाल होते हैं, उन सवालों को लेकर जब हम पार्लियामेंट में खड़े होते हैं तो चर्चा करने के लिए वो तैयार नहीं होते, और कुछ ना कुछ बहाना बना के सदन को अडजर्न करने लगाते हैं, और बाद में ये कहते हैं देखिए हम तो तैयार थे, लेकिन ये कांग्रेस के लोग बार बार दिक्कतें पैदा करते हैं, और इसीलिए
सदन नहीं चल पाता, लेकिन हम जब सुनने के लिए तैयार है और जनता के समस्याओं को सदन के सामने रखना चाहते हैं वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए आपको इस विषय में मजबूती के साथ रहना होगा, लड़ना होगा। ये तो डराते हैं, डरा धमका के हमारे कई लोगों को वो लेके चले गए हैं। लोग जो हमको चुन के दिए, हमारे 6 सरकारें उन्होंने चोरी की, मध्य प्रदेश की चोरी की, कर्नाटक की चोरी की, महाराष्ट्र की चोरी की, तो मैं क्या कहूं, ये बहुत बड़े मशहूर, मैं क्या कहूं, चोर कहूं, डाकू कहूं, क्या कहूं, क्योंकि जनता चुन के दिए कांग्रेस पार्टी को कि भैया महाराष्ट्र में आपकी हुकूमत होना चाहिए, कर्नाटक में आपकी हुकूमत होना चाहिए, मध्य प्रदेश में आपकी हुकूमत होना चाहिए, और इसके पहले भी जितने भी मेघालय, गोवा, ये सभी हमने जीत के आए थे, लोगों के आशीर्वाद से आए थे, लेकिन उन्होंने तोड़ फोड़ कर लोगों को एक एक करके लेके गए, किसी को पैसे दिए, किसी को लालच दिखाया, किसी को ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीसी का, हर चीज का उनको डरा धमका के अपने तरफ लेकर वो हुकूमत बना रहे, आगे भी यही कर रहे हैं और करने वाले हैं। इसीलिए हमको एक होकर लड़ना है। और बहुत वो राहुल गांधी से डर रहे हैं, क्योंकि वो जब बाहर निकले तो उस वक्त तो उनको ऐसा हुआ कि भाई ये 3,570 किलोमीटर राहुल गांधी चलेंगे, ये उनको पहले तो इसको ऐसा ही हवा में बात करते थे। जब खुद राहुल गांधी जी आज 125 दिन चलकर अब करीब 3,570 किलोमीटर के नजदीक जब है, मंजिल को जब पहुंच रहे हैं, अब घबराहट शुरू हो गई है। इसीलिए चुनाव की तैयारी अब से शुरू किए हैं मोदी जी, बीजेपी के लोग अभी से, उन्होंने 2 दिन का कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने देश के सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा, देश के भलाई के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने क्या सोचा, 400 दिन में हम इलेक्शन कैसा जीतना, किस तरीके से जीतना, यही उनका प्लान, दूसरा प्लान नहीं है। तो इसीलिए ये राहुल जी के तरफ से मैं कह रहा हूं, दुश्मन भी मेरे मुरीद है शायद, दुश्मन भी मेरे मुरीद है शायद, वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं, वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं, मेरे गली से गुजरते हैं छुपा के खंजर, मेरे गली से गुजरते हैं छुपा के खंजर, रूबारू होने पर सलाम किया करते हैं। तो ये डरते हैं, और आज पैसे के बल पे, वो ईडी के बल पे अपने कब्जे में पूरा देश रखना चाहते हैं। मैं एक कहानी मुझे याद आ रही है, लेकिन बोलूं या न बोलूं, इसीलिए मैं पहले ही सोचा था, लेकिन उससे कुछ और नहीं बात निकलना, क्योंकि मीडिया में कुछ छोटी सी बात भी हमारी चली गई तो उसको अलग थलग से बोलते हैं। हम तो जो कहानियां आरएसएस और बीजेपी अपने किताबों में लिखी है, लोगों को पढ़ाती है, वही कहानियों का उदाहरण जब हम देते हैं तो हमको वो बोलते, देखिए मोदी जी को खड़गे जी ने रावण बोला, मोदी जी को फलाना बोला, ये सब वो लोग हमेशा ये कहते हैं। तो इसलिए मैं वो तो छोड़ देता हूं, लेकिन पंजाब ऐसी धरती है, यहां तो 5 नदियां बहती है, इसीलिए तो इसको
पंजाब कहा गया है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो पंच प्यारे थे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के, वो एक प्यारा चांद जिसको साहेब सिंह कहते हैं, वो मेरे जिले से आते हैं, बीदर से आते हैं, और बीदर कहा ही पैदा हूं, और वहां से आकर उन्होंने ये जो पंच प्यारे थे और जिन्होंने अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए थे, उस जिले से ही मैं आता हूं। यहां से हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी वो गुरु गोविंद सिंह के शिष्य बनकर वहीं पर उनको, वहां पर बीदर में है। फिर नांदेड़ का तो आप जानते हैं, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। अंतिम उनका जो भी संस्कार हुआ वो नांदेड़ में हुआ, वो भी बीदर से 100 किलोमीटर के ऊपर दूर है। तो इतने नजदीक, और सिख समाज या पंजाबी इतने बहादुर है, शायद इस देश को रक्षा करने में सबसे ज्यादा अगर किसी का हिस्सा है तो आप लोगों का हिस्सा है। आपने सबको रक्षण दिया है, इसीलिए तो सभी आज बोल रहे हैं, दूसरे कोई ज्यादा नहीं बोलते। आप जिंदा रखे सबको, आप प्रोटेक्शन दिए, इसीलिए सभी लोग आज खुशहाली की तरफ जा रहे हैं, बात कर रहे हैं और कहते हैं। तो इसीलिए एक यहाँ की धरती पे समानता की धरती है, जो सिख धर्म सिखाता है, इसकी जो नींव डाली है भेदभाव मिटाने के लिए डाली है, और भेदभाव कहीं मिटा है तो वो पंजाब में सिखों ने भी मिटाया है। और अगर यही काम दूसरे लोग भी करते तो हमारे देश में, हमारे धर्म में, और आज जो बीजेपी बहुत उछल उछल के बोलती है कि हमको ये करना है वो कर, अरे भाई समानता तो लाओ पहले। आरएसएस के लोग को पूछता हूं, संविधान की पूजा आप नहीं करते, मनुस्मृति की पूजा करते हो आप, मनु की पूजा करते हो, लेकिन हमको बोलते हो हम समानता लाएंगे और हमको सरकार दो, और सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो मनुस्मृति की पूजा करते हैं, और इस देश में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो संविधान बनाया उसकी पूजा वो नहीं करते और उसको स्वीकार नहीं करते। गोलवरकर गुरु जी हो या दूसरे उनके जितने हेगड़ेवार हो, ये सभी कभी भी संविधान के, यानी संविधान के लिए बात नहीं करते, वो अपनी ही बात करते हैं। अगर संविधान नहीं होता तो आज समाज में जो समानता की भावना है या लोकतंत्र की भावना है, हम एक है कि आवाज है, जय हिंद का नारा जो उठता है ये किस लिए उठता है, कि संविधान रहने के वजह से हम सब कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक है, लोकतंत्र रहने के वजह से हम सब लोग एक होकर यहाँ पर इस हिंदुस्तान को एक रखे हैं। यही गुरु नानक जी ने बोला, हिंदुस्तान शब्द जो आया है वो गुरु नानक जी ने पहले लाया है और किसी ने नहीं कहा। मैं आते वक्त पढ़ रहा था उनका लिटरेचर, तो हिंदुस्तान को अगर कायम रखना है, हिंदुस्तान में एकता रखना है, मिलके चलना है, नफरत की राजनीति को अगर छोड़ना है तो संविधान को बचाना होगा। और मैं उन दलितों से अपील करता हूँ, गरीबों से अपील करता हूँ, पिछड़े हुए लोगों से अपील करता हूँ, अगर संविधान का अस्तित्व नहीं होता तो आज आपकी हालत कभी सुधरी नहीं होती थी, नहीं सुधरती थी। आप में कोई कलेक्टर नहीं बनता था, आप में कोई एसपी नहीं बनता था, आप में कोई डीजी नहीं बनता था, आप में कोई प्रोफेसर नहीं बनता था, आप में कोई डॉक्टर नहीं बनता था, आप में कोई इंजीनियर नहीं बनता था।
ये किसने किया? आजादी कांग्रेस पार्टी ने लाई, जवाहरलाल नेहरू जी ने उसका प्लान किया, और बाबा साहब अंबेडकर के तरफ से उसको संविधान बनाने के लिए उन्होंने रूपरेखा डाल के दी। तो भाइयों, सबसे ज्यादा अगर किसी को मेहनत करना है तो दलितों को, पिछड़े हुए लोगों को, माइनॉरिटीज को और महिलाओं को, क्योंकि मनुस्मृति में हो या आरएसएस में, महिलाओं को कोई जगह नहीं है। महिलाओं को नीचे देखा जाता है, वो पढ़ने के लिए उनमें इजाजत नहीं है। जैसा मैं सुना, परसों देख रहा था, तालिबान वाले वहां पर जो शिक्षा लड़कियां पाने के लिए कोशिश करते हैं उनको तबाह और तंग करते हैं, वैसा ही हमारे पास था और आज भी उसको लाने की कोशिश आरएसएस और बीजेपी कर रही है। उसको रोकना तुम्हारा काम है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, ज्यादा कुछ न बोलते हुए डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, युवाओं को नौकरी के लिए, और किसान, जिस किसान की बात बहुत करते हैं बीजेपी वाले, किसान 750 किसान तो मर गए बॉर्डर पे एमएसपी के लिए और अपने किसान सौ अपने डिमांड के लिए लड़ते लड़ते 750 मर गए। उसके बारे में मोदी को चिंता नहीं, कभी वो आंखों से पानी नहीं निकाले, कभी रोए नहीं। लेकिन हमारे पार्टी के लोग अगर छोड़कर उनके पास जाते हैं तो उस वक्त वो पार्लियामेंट में रोते रहते हैं, आपको मालूम हुआ, देखे ना अब तो बहुत से लोग, कि मैं नाम नहीं लेना चाहता किसका, कोई आदमी अगर हमारा पार्टी का अगर उनको सपोर्ट करता है उसकी बारे में बहुत चिंता करते हैं, किसानों के बारे में चिंता नहीं है। और सबसे ज्यादा लुधियाना में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत है, छोटे मोटे कारोबार है, इनको तबाह किसने किया? ये मोदी जी ने ही किया। डिमोनेटाइजेशन करके सबको तबाह किसने किया? मोदी जी ने किया। आज इतनी महंगाई बढ़ गई, किसने किया? ये मोदी जी ने। लेकिन फिर भी उनको कोई चिंता नहीं, वो हमेशा मस्त में रहते हैं, कैसा हुकूमत करूं, कैसा पार्टी में लाना चाहिए, वोट कैसा लेना चाहिए, इसी के बारे में चिंता करते हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे ज्यादा वक्त न लेते हुए, तो जनता जरा चुप है, खामोश है, तो इसीलिए मोदी ये समझ रहे हैं, बीजेपी ये समझ रही है, भाई जनता तो चुप है, कोई गड़बड़ नहीं करती, तो चलता है, चलने दो, ये उनका रवैया है। तो मेरा कहना है, मैं तो इस वास्ते चुप हूं, कि तमाशा न बने, और तू समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं, यानी मैं चुप हूं इसलिए तेरे खिलाफ कोई गिला नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे शिकायतें हैं, इसके लिए हम लड़ रहे हैं, हमारे लीडर राहुल गांधी जी बाहर भी लड़े हैं, अंदर भी लड़े हैं, और अब सड़क पे आके भी वो लड़ रहे हैं। इसके लिए आप सबका साथ होना जरूरी है, और आप साथ दे रहे हैं, इसको यशस्वी बनाइए। इतना ही कहते हुए मैं आप तमाम लोगों को फिर एक बार धन्यवाद देता हूं कि इतने बड़ी संख्या में आके उनको जो पुरजोर तरीके से मदद कर रहे हो, उनके साथ हो, इसीलिए फिर एक बार आपको नमस्कार करके मेरे बातों को खत्म करता हूं। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।